दोस्तों स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से काफी ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, हर बार की तरह कुछ चीजें हैं जो एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स परेशान भी हैं जिनका नहीं हुआ है, उनके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। पहले उनके बारे में बात करते हैं, बाकी जिन लोग का हो गया है भाई उनके लिए स्ट्रेटजी दी है। हमारे मेंस के फ्री और पेड सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी एसे सबकी लिए अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं, आप उसमें पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि इस बार फिर से ऐसा हुआ कि कुछ लोग 2022 के सिलेक्टेड भी हैं वो भी प्री नहीं क्लियर कर पाए। आप समझ रहे हैं, उलट फिर ये होता है। समस्या ये है इस जगह आयोग में, ये समस्या है कि ये लोग जो प्रोविजनल आंसर की दिए थे, आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन काउंट किया कि भाई कितने सही हो रहे हैं या नंबर मिला है, वो आपने किए प्रोविजनल आंसर की से। रिजल्ट आया है मॉडिफाइड पे, ठीक है। प्रोविजनल के बाद आप लोग करेक्शन भेजते हो कई सारे लोग, तो उस पर आयोग मॉडिफाइड तो करता है की को, लेकिन वो की नहीं देता है, रिजल्ट उस पर जारी हो गया है, ये है बात मेन। अब ये आयोग के साथ ये जो है ये प्री में जो क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन जो भी गलत हो जाते हैं हर बार, जबकि आयोग ने दावा किया था कि भाई अब उनके नए एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आप ये समझिए साल में एक पेपर लेता है आयोग पीसीएस का, 150 क्वेश्चन बनाने हैं प्री के, वो भी सही से आंसर की के साथ नहीं दिए जा पा रहे हैं। तो इसमें आयोग की ही, मेरे हिसाब से तो आयोग को इसमें जरूर ध्यान देने की जरूरत है, शासन को भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे एक्सपर्ट क्यों रखे जा रहे हैं बार बार जो क्वेश्चन गलत करें। अब या तो फिर आयोग उसके बाद फिर भाई मॉडिफाइड की भी जारी करे, क्यों नहीं मॉडिफाइड की जारी करता है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये बात। क्या लगता है आपको, मॉडिफाइड की जारी होनी चाहिए कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ट्रांसपेरेंसी पे किसी तरह का खतरा होगा। हाँ, ये मेरे हिसाब से तो मॉडिफाइड की जारी होनी चाहिए। और ऐसे जो विशेषज्ञ हैं जो एक क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दे पा रहे हैं, 150 क्वेश्चन के 150 आंसर जो है देने होते हैं सही सही, हर बार क्यों जबरदस्ती डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं? ये बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, इसकी वजह से इतने बड़े बड़े उलट फिर हो जाते हैं, कई सीरियस स्टूडेंट भी जो है नहीं हो पाते हैं। हालांकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से काफी सिलेक्शन हुए हैं, लगातार हमारे पास मैसेजेस आते जा रहे हैं, लेकिन पहले जो कुछ लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं कि उनकी जरूर जो है सुनी जाए। मेरे हिसाब से आप लोग एक दो दिन जो है सेल्फ एनालिसिस करिए। देखिए आयोग का तो सिस्टम यही है, हर बार यही रहेगा, आप लोग हर बार जो है मैं बताता हूँ, आप लोग भी सुन लेते हो, और फिर वही कुछ लोग आप लोगों में से एक्टिविस्ट बन के बोलेंगे कि तू बस यहाँ पे अपने एसी रूम से बता देता है, रोड पे नहीं आता है। तो ये वाली चीजें हैं, आयोग तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग कोई आयोग को ईमेल कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं कि ये जो प्रश्न गलत होते हैं और ये जो मॉडिफाइड निकालनी पड़ती है इस पे सर प्लीज संज्ञान लीजिए, स्टूडेंट्स को बहुत लॉस होता है इस पे। तो एक तो ये हो गई भाई सिस्टम की समस्या, दूसरी कुछ और भी समस्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस तो प्री निकाल ही देंगे, ऐसा नहीं होता है सर जी मैडम जी। यूपीएससी की तैयारी का एक अलग तरीका है, एक अलग सोच है, यूपीएससी इंटरप्रिटेशन लेवल तक पहुंच चुका है। पीसीएस आज भी वैसा ही है कि भाई कुछ फिक्स चीजें पढ़ के लगातार प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं आप, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रिलीजियसली रेगुलरली फॉलो किया है। ये भले कोई लोग हमको क्रिटिसाइज करें कि भाई ये जो नंबर ऑफ पेजेस कुछ ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन भाई सिलेक्शन होता है ये मानते हैं। तो यूपी पीसीएस का सिंगल सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बस। अगर आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पेड ग्रुप ही ज्वाइन करना जरूरी है, हमारे फ्री इनिशिएटिव भी बहुत इनफ है, मोर देन सफिशियंट है। तो 10 सोर्सेज से फॉलो नहीं करना है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी अलग अलग ही हो सकती है, एक साथ अगर आप जो है तैयारी करने की कोशिश करेंगे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी भ्रमित करते हैं आपको कि भाई यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस की एक ही जगह करा देंगे, ऐसा होता ही नहीं है भाई। सबका सिलेबस अलग है, सबका पैटर्न अलग है, सब में अलग अलग तरीके के जो है हर जगह जो उनका, मान लीजिए अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाएगा, बिहार में बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, ये सब चीजें अलग है। प्लस इवन जो उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके भी अलग है, यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन पूछता है इंटरप्रिटेशन लेवल पे जाके, वो ज्यादा फैक्ट्स पे कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि कुछ फैक्ट्स यूपीएससी में भी आते हैं, लेकिन पीसीएस में तो सिर्फ फैक्ट्स ही आते हैं, थोड़े बहुत दो चार सवाल कॉन्सेप्चुअल बेसिक डाल दिए बस, वो वाली बात है। तो ये स्टूडेंट्स को खुद की सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, आप लोग अपनी अपनी सेल्फ एनालिसिस करिए कि भाई पढ़ाई में कमी रहेगी कि नहीं, क्या प्रैक्टिस में कमी रहेगी। प्री 2000 देखिए, जो पीसीएस का प्री है उससे पहले कम से कम 8-10 हज़ार क्वेश्चन लगा के ही जाया करिए, एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज फॉलो करा करिए। जो एससीएस के पेड क्वेश्चंस के रिसोर्सेज है, पेड क्विज है हमारी फ्री जो है टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज के भी वीडियो फ्री है और टेस्ट सीरीज के भी वीडियो फ्री है, एमसीक्यू बैंक के भी वीडियो फ्री है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन के भी वीडियो फ्री है। ये सारी चीज लगा के जाए तो प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, ध्यान रखिए। और एक और चीज है कि भाई प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेगी पीसीएस वालों को, ये कि पीसीएस की तैयारी पीसीएस की तरह से ही करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। एक और चीज, आजकल कई सारे जो है यूनिकॉर्न और ये सब चीजें आ गई हैं, वो लोग स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए कई सारी चीजें करते हैं कि लो भाई 100 रुपए में ये, 50 रुपए में ये, इसमें स्टूडेंट फंसा रह जाता है, 2000 में ये, 3000 में ये। एक्चुअली अगर आप देखें जो वो वीडियो देते हैं, वो वाली चीजें यूट्यूब में ऑलरेडी फ्री हैं,
स्टडी फॉर सिविल सर्विस में सब कुछ, सारे वीडियो फ्री चल रहे हैं, लगातार फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, तो इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो फ्री में भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, एक और समस्या भी है कि देखिए कुछ लोग का मानना है कि भाई पीसीएस के लिए और ये सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ बुक सही होता है। अब समस्या ये है कि बुक जो लिख दी जाती है वो अपडेट नहीं की जाती है। बुक का जो ऑथर लिखता है उसका ये प्रयास होता है कि सारे एग्जाम कवर कर ले। पीसीएस अलग डिमांड है, यहाँ पे यहाँ स्पेसिफिक लेवल है भाई, इनकी जो तैयारी वो इन्हीं के हिसाब से हो सकती है, सारा इनको फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न क्या है। आप सब कुछ नहीं फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लीजिए। और एक और चीज़ है कि जो लोग इस बार नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से देखिए आयोग का सिस्टम तो मुझे नहीं लगता कि बदल पाएगा। ये पहले भी जो अध्यक्ष जी अभी आए हैं इनके बारे में बहुत तारीफ करते थे, मैंने पहले बताया था, सब लोग ऐसे ही होते हैं, सिस्टम सेम ही रहेगा। आप लोग को खुद ये चीज़ें अपने से वादा करना पड़ेगा कि 105 क्वेश्चन अगली बार नेट में सही करके आने, 150 में। अगर आप इतने पे रहें, क्योंकि कई सारे लोग हमारे पेड ग्रुप में जो थे 105, 110, 115 वाले, इन लोग का आराम से हुआ, उन लोगों से अभी पूछा, तुरंत पहले ही बता के रखे थे कि अरे हो गया सर, वो तो मेंस की तैयारी कर रहे थे भाई, वो लोग एकदम आश्वस्त होके। तो ये वाले अगर आपको हर बार जो भंवर होता है इसमें नहीं फंसना है, तो अभी से ये जो है कोशिश करिए 150 में से 105 नेट में क्वेश्चन आपको निकालने, और वो किया जा सकता है बाकायदा। उसके लिए भी 3 स्टेज की स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने दिया हुआ है, वीडियो तुरंत डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख डालिए पूरा। और लाए जा सकते हैं, सीसेट में भी कुछ लोग शायद फेल हुए हैं, सीसेट पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सीसेट को इतना हल्के में मत लीजिए भाई, 33% तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बाकी एक दो दिन आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करिए, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में होते हैं वो स्टूडेंट इतने मच्योर तो हो जाते हैं कि एटलीस्ट अपने एनालिसिस तो कर सकते हैं कि गलती कहाँ रह गई। और किसी भी चीज़ों में आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़े, 7838692618 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप तुरंत बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जिन लोग का हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, एक दो दिन एनालिसिस करके लग जाइए वापस। अगर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से यही है कि भाई अगर आपने तैयारी करी यहाँ तक आए हो, तो जीवन में ये एटीट्यूड तो रखो कि थोड़ी और तैयारी करेंगे, इस बार बिल्कुल आर या पार, करो या मरो वाली जो है करके, और 2024 में बिल्कुल पूरी दम लगा दीजिए। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव लगातार चलते रहेंगे, 2024 के लिए भी हमारे चालू हो चुके हैं, 2023 के मेंस के भी चल रहे हैं सारी चीज़ें।